अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ एक तरह से दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। और याद रखिए, मुझे लगता है कि इनसे आपके क्वेश्चंस मेंस में कुछ ज्यादा ही इस तरह के क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे आपके प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेंस में आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से एक तरह से यूज भी कर सकते हैं इन पॉइंटों को। 10 सिद्धांत हैं, तो उसी की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाल ही में आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपनी तरह के पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों के लिए न्याय प्रणाली का उपयोग करना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति, यानी कि कोई पैर से अगर विकलांग है या दिमागी क्षमता किसी किसी तरह से दिव्यांग है, तो आप देखेंगे उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है, कितनी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए उनकी सहूलियत के कुछ कदम उठाए जाते हैं, हमारी सरकारें भी उठाती रहती हैं और यूएन भी उठाता रहता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, आपका जितने भी संगठन है आपके, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो आप प्ले लिस्ट सूची में जाकर देख सकते हैं। एक सामान्य जानकारी दे देता हूं, यहाँ आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, हेडक्वार्टर इसमें देखेंगे न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 10 सिद्धांतों के समूह की एक रूपरेखा और उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लिखित 10 सिद्धांतों की अगर बात करें, तो सिद्धांत एक को देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता है और इसलिए दिव्यांगता के आधार पर किसी को भी न्याय तक पहुंचने से वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं एवं सेवाओं का सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना अनिवार्य है। सिद्धांत तीन क्या कहता है? दिव्यांग बच्चों समेत सभी दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रिसिजल एकोमोडेशन का अधिकार है। प्रिसिजल एकोमोडेशन का अभिप्राय है कि ऐसे उपायों से होता है जो किसी दिव्यांग व्यक्ति अथवा संवेदनशील व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया में मदद करता है, जैसे दिव्यांग व्यक्तियों के साथ किसी अन्य सहायक व्यक्ति की सुनवाई में हिस्से लेने की अनुमति देना, दिव्यांग व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लेने की छूट देना, उनके लिए अधिक अनौपचारिक वातावरण का निर्माण करना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे, बच्चे हों फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें एक तरह से सहूलियत देने की बात की जा रही है। ठीक है, सिद्धांत चार, दिव्यांग व्यक्तियों को भी अन्य व्यक्तियों की तरह कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है। सिद्धांत पांच, अन्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांग व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी मौलिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को के हकदार भी हैं। सिद्धांत छह, दिव्यांगजनों को मुक्त और मितव्ययी कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सिद्धांत सात, अन्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय प्रणाली के प्रशासन में समान आधार पर भाग लेने का अधिकार भी है। सिद्धांत आठ, दिव्यांग व्यक्तियों के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के मामले की शिकायत करने और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है। सिद्धांत नौ क्या कहता है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच का समर्थन करने में प्रभावी एवं मजबूत निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिद्धांत 10, न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, खास तौर पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये है आपके 10 सिद्धांत, यानी आप लोग आंसर राइटिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपको सूटेबल लगे। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा में दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें, जैसे कौन लोग होते हैं दिव्यांग, तो 21वीं सदी में मानव अधिकारों के प्रमुख साधन के रूप में पहचाने जाने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोष है, जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा बनता है।
ऐसा सीधा सा मतलब है कि चलिए आप लोग दौड़ रहे हैं, तो सामने वाला विकलांग कोई अगर पैर से कुछ उसमें फ्रैक्चर या जन्म जाते हैं या उसका कहीं हो जाता है, इस तरह की घटना घट जाती है, तो आपके समान वो काम नहीं कर सकता है। यानी कि आपके समान पहुंचने के लिए या दौड़ने के लिए आप जैसा, उसके बीच में ये दोष है एक तरह से। इस तरह के जो भी लोग होते हैं, पैर की ही बात नहीं कर रहा हूं, हाथ की हो, फिर चाहे दिमाग की हो, सब किसी भी तरह की हो सकती है, तो इस तरह के व्यक्तियों को विकलांग दिव्यांग कह देते हैं। क्या? दिव्यांग कह देते हैं। सामान्य अर्थों में दिव्यांगता ऐसे शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है, यानी कि सामान्य व्यक्ति की तरह वो हर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों की संबंधित अगर समस्याओं की बात करते हैं, तो वैसे तो आप अपने दैनिक जीवन में भी कई तरह की समस्याएं देखते रहते हैं इन लोगों की, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में दिव्यांगता की एक ऐसी श्रेणी जैसे चोटों, दुर्घटनाओं, कुपोषण आदि हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, किंतु देश के का स्वास्थ्य क्षेत्र, खास तौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र, इस प्रकार की दिव्यांगता को भी रोकने में असफल रहा है। आप सोचिए कि चलिए कोरोना महामारी की हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन भूख की तो वैक्सीन है। आप देखते हैं कि इससे ज्यादा कहीं भूख से लोग मरते हैं, उन्हें तो आप खाना देकर उन्हें बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब हमने जितनी उम्मीद प्रधानमंत्री साहब से लगाई थी, उतनी उन पर साबित सही साबित नहीं हो पा रहे। अभी आपने देखा है, मन की बात आई हुई है, उस पर बात भी की हम लोगों ने, तो उसमें देखा है कि जितने लाइक नहीं मिले प्रधानमंत्री को, उससे कई गुने ज्यादा डिसलाइक दिए गए, यानी कि उनकी बात को पसंद नहीं किया गया। देखिए, अभी मन की बात की जगह काम की बात होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है, और आपके जो भी पड़ोसी हैं उनसे हमारे संबंध बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री साहब कुत्तों की प्रजातियां बताने में लगे हुए हैं। तो इतनी उम्मीद तो हम लोगों को कभी नहीं थी प्रधानमंत्री साहब से कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे। आपने देखा अभी पीएम फंड बनाया हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री साहब को मतलब एक तरह से कहिए कि जिस तरह 2014 में आए हुए थे, उसमें उस समय के पीएम साहब और आज समय के पीएम साहब, जमीन आसमान का फर्क देखेगा। क्योंकि आपने देखा है, पीएम फंड में किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपये, जितनी जितकी जिसकी औकात थी। जब आरटीआई डाली गई तो उसमें कह दिया गया कि पीएम फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। जब देखिए, आपका पैसा है, जनता का पैसा है, तो आपको क्या हर्ज हो सकता है? जैसे हम खुले हुए हैं, हम पर कोई दाग नहीं है, तो हम तो कोई भी हमसे कुछ भी पूछे हम तो बता देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये देखा गया है। उसके बाद आपने देखा है कि कई इस कोरोना, आपने देखा है लॉकडाउन के समय में कई घटनाएं घटी, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री साहब चुप्पी सा दे रहे हैं। एक कुछ समय पहले एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे, और लॉकडाउन में आपने देखा है कि लोगों को जाने के लिए एक बस भी नहीं मिल पाई। समझ रहे हैं? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। कांग्रेस अपनी मौत मर चुकी है, समझ रहे हैं? अमेरिका जैसा दोनों पार्टियों बराबर होती, आप भी जानते हैं कि दुश्मनी तभी अच्छी लगती है या जब दोनों बराबर की हो। आपका कंपटीशन तभी अच्छी लगती है जब आपका पड़ोसी भी आपकी कंपटीशन से दौड़ हो रही हो। समझ रहे हैं? अभी तो आप दौड़ रहे हैं, ये वही हाल है कि एक विकलांग व्यक्ति को दौड़ा दीजिए और एक आप सही हैं, तो सीधी सी बात है कि आप निकल जाओगे आगे। तो वही हाल है कि विकलांग स्थिति में पहुंच चुकी है कांग्रेस, और दूसरा हमारे पास विकल्प भी तो नहीं है। दिल्ली में था तो हम लोगों ने दिखा दिया, समझ रहे हैं? दिल्ली में दिल्ली की जनता ने दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन देश में नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का। इसलिए आप सोचिए कि प्रधानमंत्री साहब की लोकप्रियता आप नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? इतना सही बात है कि हम लोग क्या करते हैं, सभी चोर हैं तो कम चोर को चुन लेते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के सामने दूसरा कोई अच्छा चेहरा नहीं है, इसलिए उन्हें आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा देश में कई संवेदनशील वर्गों के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल सहायता
और उपकरणों तक मितव्ययी पहुंच का भी अभाव है। भारत की शिक्षा प्रणाली में समावेशन का अभाव है। नियमित विद्यालयों में आज भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा एक दिव्यांग बच्चे के लिए प्रवेश लेना काफी चुनौतीपूर्ण है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों और विशिष्ट शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। यद्यपि अधिकांश दिव्यांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम है, किंतु इसके बावजूद भी दिव्यांग वयस्कों को में रोजगार की दर काफी कम है। विदित हो कि निजी क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति और भी खराब है। देश में अधिकांश इमारतें और परिवहन सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रयोग हेतु अनुकूल नहीं है, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि आप सोचिए कि उन्हें रोजगार के लिए जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। परिवार और समाज का नकारात्मक व्यवहार प्रायः दिव्यांग व्यक्तियों को परिवार, समुदाय या फिर कार्यबल में सक्रिय भूमिका अदा करने से रोकता है। इसे तो आप भी देखते रहते हैं कि किस तरह से भेदभाव किया जाता है उसके साथ। दिव्यांगजनों के अपने रोजगार के जीवन में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर मानसिक रूप से अक्षम लोग जीवन के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। फिर भारत में अगर हम लोग दिव्यांगों की स्थिति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी आयु वर्गों में 2.4% पुरुष और 2% महिलाएं दिव्यांगता से प्रभावित हैं, यानी कि पुरुष 2.4% और महिलाएं 2%। इसमें मानसिक एवं बौद्धिक दिव्यांगता और बोलने सुनने और देखने संबंधी सभी इसमें शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल 121 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 2.68 यानी कि 2.68 करोड़ व्यक्ति अक्षम यानी कि दिव्यांग हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% है यानी कि 2.21%। जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों में से 1.5 करोड़ दिव्यांग पुरुष हैं और 1.18 करोड़ दिव्यांग महिलाएं हैं। देश की अधिकांश दिव्यांग आबादी 69% ग्रामीण भारत में निवास करती है। कहाँ? गांव में। दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी कानून दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की बात करें तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्ष 1995 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम का स्थान लिया है जो 2016 में है। इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और दिव्यांगता के मौजूद प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। पहले इस तरह से 7 प्रकार के दिव्यांग लोग होते थे, यानी कि 7 तरह से अगर जो श्रेणियां बांट दी गई थी, इसमें अगर कोई विकलांग है यानी कि दिव्यांग श्रेणी में हो जाता था, उसमें कमी है, लेकिन इसे बढ़ाकर 21 कर दी गई, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह दिव्यांगता के प्रकारों को और अधिक बढ़ा सकती है। अधिनियम के तहत बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेंचमार्क विकलांगता से अभिप्राय उन लोगों से जो कम से कम 40% विकलांगता से प्रभावित हैं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय तथा राज्य कोष बनाया जाएगा। देखिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस का या किसी भी आप पार्टी का। हम लोग उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो हमें नौकरी दे, जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे, जो हमारे बच्चों को स्वास्थ्य दे, जो हमारे देश को आगे ले जाए। समझ रहे हैं? अभी आपने देखा है सीताराम वित्त मंत्री साहब का आपके एक बयान आया हुआ है, उन्होंने कह दिया कि भगवान की ये तो मर्जी थी, हमारी अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हुई भगवान की देन है। आप खुद सोचिए, लॉकडाउन से कोरोना महामारी आने से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से गिर चुकी थी। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जितनी उसमें कमी थी वो पूरी कर दी है कोरोना वायरस ने। ठीक है, तो इसमें एक तरह से हमें ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अभी देखिए आपने देखा पेपर चल रहे हैं जी जेई नेट। आप समझिए कि इन्हें स्थगित, अभी देखिए कोरोना महामारी कितनी भयंकर फैली हुई है, इसे आगे बढ़ा सकते थे आप लोग। आपने देखा है कि अभी जितनी भी पोलिंग चल रही है इस तरह की वोट मांगते हैं कि
आपको पेपर देने की सहूलियत होगी, यानी उसमें आप देखेंगे कि 90-95% तक बच्चे मना कर रहे हैं, फिर भी आप पेपर लगा रहे हैं। यही मुझे लगता है गुस्सा है। देखिए अगर न्यूज चैनलों का और बुरा हाल है यार, ये हम लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, आप लोगों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे ये लोग, समझ रहे हैं? ये आपको देखिए एक केस पकड़ लिया है इन्होंने, उसी को 24 घंटा चला रहे हैं। सीबीआई से मुझे लगता है सीबीआई जांच नहीं कर रही, उससे ज्यादा मीडिया जांच कर रही है। और उसी पर आप देखना बिहार का पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी गिरी हुई है, गरीबी देखिए आप लोग, शिक्षा देखिए, अभी पूरा बिहार बाढ़ से परेशान है, उस पर कोई डिबेट नहीं चल रहा है। एक तरह से उन्हें क्या, हम लोग नेताओं मीडिया को क्या जिम्मेदार ठहरे, खुद जिम्मेदार है इसके लिए कि हम लोग इस तरह के नेताओं को वोट भी दे देते हैं। तो ये देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री साहब को काम की बात करनी चाहिए तो मन की बात कर रहे हैं। किसी ने वो सही लिखा है, बोला है कि वो अब की बार ऐसे नेता को चुनना है, ऐसे प्रधानमंत्री को जिसकी शादी हुई हो, कि वो मन की बात करे अपनी घरवाली से यानी कि पत्नी से, और काम की बात करे युवाओं से, देश से। यार मतलब मजाक बना के रख दिया है आजकल, मतलब ऐसे जोक टाइप के। आपको मुझे नहीं लगता है कि ये 2000, मैं भी देखिए फॉलो कर रहा हूँ प्रधानमंत्री साहब को, जब से इन्होंने मन की बात शुरू की थी तभी से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से सुनते थे। उस समय का मैंने देखा है कि उस समय देखते थे कि लाखों लोग सुन रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि मुश्किल से 1000 भी अनलाइक नहीं मिलते थे, यानी कि डिसलाइक आपके गिनने से भी आप 1000 पे नहीं पहुंचेंगे। आज आप देखिए कि अगर 100 लाइक मिल रहे हैं तो उसमें देखेंगे 1000 लाइक डिसलाइक मिल रहे हैं, कितना नाराज है एक तरह से। आप सोचिए प्रधानमंत्री को जिस बात पर बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है, और हम देखिए 4-5 रफेल खरीद लेते हैं फ्रांस से, तो हमारे यहाँ कुछ भक्त हैं बेवकूफ कहिए एक तरह से, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से मतलब नहीं है, अपने घर वालों से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर अंधभक्ति कहने के लिए कह दी जाए उनसे तो वो अपने बाप को भी बहन देंगे, लेकिन वो नेता को नहीं छोड़ेंगे। तो उन कैटेगरी में उसमें शामिल मत हुई, हम लोग स्टूडेंट की तरह हैं और स्टूडेंटों की तरह रहिए। हमें जो भी नौकरी दे, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें उन्हीं से मतलब है, जो हमारी आवाज उठाए हमें उसी से मतलब रखना है, हमें किसी से कोई मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो याद रखिए मेंस में डालने के लिए आप हो सकता है, ठीक है, डाल सकते हैं।